नेवियर स्टोक इक्वेशन, नेवियर स्टोक इक्वेशन। तो ये नेवियर स्टोक इक्वेशन क्या है, तो जब हम थर्मोडायनेमिक बाउंड्री लेयर या हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर पढ़ते हैं तो जिनके एक्सप्रेशन होते हैं वो नेवियर स्टोक इक्वेशन से ही निकले हैं। तो सबसे पहले हमें नेवियर स्टोक इक्वेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद क्या कंडीशंस लगाएंगे कि हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर आए उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ, यू टाइम्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वी टाइम्स डेल यू बाय डेल वाई इट इज इक्वल टू द म्यू बाय रो डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन रो डी पी डी एक्स। ठीक है, ये हम बोलते हैं नेवियर स्टोक इक्वेशन फॉर रोटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इससे कोई मतलब नहीं है नेवियर स्टोक इक्वेशन से, हमें मतलब है हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर से और थर्मल बाउंड्री लेयर से। अब जब हम फ्लैट प्लेट की बात करते हैं, फ्लैट प्लेट, उस फ्लैट प्लेट के टाइम पे ये जो डी पी बाई डी एक्स है ना, डी पी बाई डी एक्स ये जो पॉइंट है, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो हो जाती है, मैं कहूँ कि नेग्लिजिबल होती है, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट फ्लैट प्लेट के लिए जीरो होता है। क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट जीरो होता है यानी कि नेवियर स्टोक इक्वेशन क्या बन जाती है, यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वी डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू न्यू टाइम्स डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर। ये जो म्यू बाय रो है दैट इज डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी इज नथिंग बट द डायनेमेटिक विस्कोसिटी। तो ये जो इक्वेशन थी नेवियर स्टोक की वो फ्लैट प्लेट के लिए किसमें कन्वर्ट हो गई, इसमें। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे काम की है कि ये इक्वेशन है मोमेंटम इक्वेशन है हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की। तो ये हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर इक्वेशन बोलूं या मोमेंटम इक्वेशन में बोल दूं इसको, मोमेंटम इक्वेशन फॉर हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो हमें पता होने चाहिए। जैसे हमने जो बाउंड्री कंडीशंस लगाई थी, अगर मान लीजिए मैं उस बाउंड्री कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करूँ, पहली बाउंड्री कंडीशन क्या थी हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर के लिए, तो पहले मान लीजिए मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ कि ये हमारे पास एक प्लेट है, ये कुछ इस तरीके का प्रोफाइल बनता है, ये हमारे पास टोटल डेल्टा था थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस, ये एक्स बराबर जीरो, ये एक्स बराबर एल, वेलोसिटी की वैल्यू हम लोग मान के चल रहे हैं लेट अस से यू इन्फिनिटी। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि जब y की वैल्यू जीरो होगी यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम जाएंगे और y की वैल्यू जीरो है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो। सेकंड बाउंड्री कंडीशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि y डेल्टा होने पे वेलोसिटी की वैल्यू 0.99 टाइम हो जाती है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, और फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मैंने मानी है u इन्फिनिटी, तो दिस बिकम 0.99 u इन्फिनिटी। थर्ड इक्वेशन y बराबर डेल्टा पे क्या चीज लिख सकते हैं कि जो स्लोप होगा डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू वो कितनी होगी, जीरो। भाई ये स्लोप है वाई बराबर जीरो पे, ये स्लोप होगा वाई बराबर डेल्टा पे, तो वाई बराबर डेल्टा पे आप देख रहे होंगे कि स्लोप कितना हो जा रहा है, जीरो, इंक्रीज होते जा रहा है, यहाँ पे डिक्रीज होते जा रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम है कंटिन्यूस डिक्रीज होगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब वाई बराबर डेल्टा पे ये वैल्यू जाएगी हमारे पास जीरो। और फोर्थ हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या है कि जब वाई की वैल्यू जीरो है वहां डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो जीरो है। ठीक है, तो ये चार बाउंड्री कंडीशंस लगाने पे फ्लैट प्लेट के टाइम पे जो मोमेंटम इक्वेशन बनी ये इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप ये चार बाउंड्री कंडीशंस लगा के जब इस हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा यू बाय यू इन्फिनिटी इज इक्वल टू थ्री बाय टू y बाय डेल्टा माइनस वन बाय टू y बाय डेल्टा की पावर वन बाय थ्री। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन बनता है हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर में, दिस इज दी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कन्वेक्शन के अंदर बेसिकली आपको चीजें क्या पता रखनी है, मैं आपको वो ऑलरेडी क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे डेरिवेशन की बहुत ज्यादा नीड नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ आप कितने ज्यादा फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं, कोरिलेट कर पाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि गेट के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते, वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चंस पिक किए गए हैं। ठीक है, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे मैं उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे डेरिवेशन की नीड नहीं है कि हमने नेवियर स्टोक इक्वेशन निकाल ली तो फ्लैट प्लेट के लिए हमें पता चल गया कि डीपी बाई डीएक्स यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट अप्रोक्सीमेटली जीरो लेते हैं हम।
तो जो इक्वेशन बनती है वो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर इक्वेशन बनती है। अब चार बाउंड्री कंडीशंस जो हम लोग ने पहले भी पढ़ी थी हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर के लिए, वो लगा करके हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया। अब आप काम ये कर सकते हैं, या तो आप खुद इसको बैठ करके निकाल लीजिए कि वाई बराबर जीरो रखिए, वेलोसिटी की वैल्यू जीरो रखिए, या फिर आप डायरेक्टली आप इसे याद कर लीजिए। आप चाहे तो एक बार निकाल के देख सकते हैं, बाकी कोई नीड नहीं है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट कहाँ आएगा वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी ये आप ध्यान रखें कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये। तो यहाँ पे तीन चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। पहला, नेवियर स्टोक इक्वेशन क्या है। दूसरी चीज, डीपी बाई डीएक्स इक्वल टू जीरो होने पर हम हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर गेट करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो फ्लैट प्लेट की जो कंडीशन है वो आपको पता होनी चाहिए। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डायरेक्ट फॉर्मूला कई बार आ जाता है कि यू बाई यू इन्फिनिटी कितना है, तो वैल्यू आपको डायरेक्ट याद भी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा क्या है भाई। वाई की वैल्यू तो हमें पता चल गई कि वाई की वैल्यू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है। और डेल्टा क्या है, डेल्टा हमारे पास बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो आप एफएम अगर पढ़ोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स जब पढ़ोगे आप, तो बाउंड्री लेयर थिकनेस के अंदर हम ये वैल्यू निकालते हैं कि डेल्टा बाय एक्स जो होता है वो होता है फाइव अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर ई एक्स, ठीक है, फाइव अपॉन रूट ऑफ आर ई एक्स। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये इसको डिराइव करने की कोई नीड नहीं है आपको, ये आप जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, बाउंड्री लेयर थिकनेस पढ़ेंगे, तो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप एक चीज देखोगे कि जो डेल्टा की वैल्यू है आप उसको किस तरह लिखोगे, 5x डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ, ये है रेनॉल्ड नंबर x, मतलब लोकल रेनॉल्ड नंबर, इसको मैं कैसे लिखूंगा, रो वी एक्स अपॉन म्यू। अब देखो x डिवाइड रूट x, मतलब कि डेल्टा की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ x, या फिर मैं बोल दूं डेल्टा की वैल्यू x की पावर हाफ के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। या फिर मैं यहां से एक और चीज बोल सकता हूं, डेल्टा को भाई रो, सॉरी म्यू अपॉन रो की वैल्यू हम क्या देख सकते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यानी कि रूट वी के क्या हो जाती है, न्यू, सॉरी दिस इज न्यू, सो रूट न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैं यहां से दो चीजें तो निकाल सकता हूं, यानी कि इस फॉर्मूला की भी बहुत ज्यादा नीड पड़ेगी आपको। अभी दोनों ये फॉर्मूला जो है ना, ये दोनों जगह नीडी है। किस तरीके से, आप अगर कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर का पढ़ रहे हैं तो भी जरूरत पड़ेगी, आप बाउंड्री लेयर थिकनेस या टर्बुलेंट फ्लो पढ़ रहे हैं तो भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है जो हमने देखा था कि वॉल शियर स्ट्रेस कितना होता है, टाउ वॉल जिसको हम बोलते हैं, वॉल शियर स्ट्रेस ये कितना होता है भाई। वॉल शियर स्ट्रेस की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था वो होता है म्यू, लास्ट लेक्चर में मैंने इसको बताया था, डेल यू बाई डेल वाई एट वाई इक्वल टू जीरो। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि वेलोसिटी का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें डायरेक्ट पूछ लेता है कि वॉल का शियर स्ट्रेस कितना होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि वॉल का शियर स्ट्रेस होता है म्यू डेल यू बाई डेल वाई वाई इक्वल टू जीरो पर। अब डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू कहां से लाओगे, तो डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू तब आएगी जब आपको ये एक्सप्रेशन पता होगा, दैट यू बाई यू इन्फिनिटी इक्वल टू थ्री बाई टू वाई बाई डेल्टा माइनस हाफ वाई बाई डेल्टा पावर वन बाई थ्री, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम लोग को पता होनी पड़ेगी, ठीक है। बेसिकली ये थ्री है, सॉरी दिस इज थ्री नॉट वन बाय थ्री, ये थ्री है ना, पावर क्यूब में चल रही है इसकी, ठीक। तो अब यहां पे अगर आप देखोगे तो वैल्यू निकालो आप इसकी यू बाई यू इन्फिनिटी की, तो किस तरीके से निकालेंगे भाई, डेल यू बाय डेल वाई, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये बन गया थ्री बाय टू डेल्टा माइनस वन बाय टू, और इसका डिफ्रेंशिएशन किस तरीके से होगा भाई, थ्री टाइम्स हो जाएगा वाई बाय डेल्टा की पावर थ्री स्क्वायर, ठीक है। और y बराबर जीरो रख दिया तो y बराबर जीरो रख दो, तो ये वैल्यू पे भी क्या रखोगे, y बराबर जीरो, यानी कि डेल u बाई डेल y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, थ्री u इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई टू डेल्टा, ठीक है। तो tau w कितना आ जाएगा, वॉल शियर स्ट्रेस थ्री u इन्फिनिटी म्यू डिवाइडेड बाई टू डेल्टा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई वॉल शियर स्ट्रेस की। अब यहां पे ध्यान दीजिए, डेल्टा की वैल्यू हमने लिख कहा कि डेल्टा प्रोपोर्शनल है रूट एक्स के, और यहां डेल्टा किसके प्रोपोर्शनल है, टाउ ऑफ डब्ल्यू प्रोपोर्शनल है वन अपॉन डेल्टा के, या मैं इसको कहूं प्रोपोर्शनल है वन अपॉन रूट एक्स के, या फिर मैं कहूं प्रोपोर्शनल है एक्स की पावर माइनस हाफ के, ठीक है। तो जब भी आप शियर स्ट्रेस में और वॉल पे, ठीक है, और एक्स में ग्राफ बनाओगे तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको दिखाई देगा,